हाँ जी देखिए कहो, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 12 इंडिया से ना अलग से, वैसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे आसान है ये, सबसे आसान केवल इसलिए क्योंकि हम आज तक फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग करते आए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमको आता है। और इसके रिगार्डिंग हमने AS 10 भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत वहां से भी रिलेट करेगा, तो इसलिए थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसको यूज कर रखा है। तो इंडिया 16, ओके, ये IAS 16 होगा या IFRS 16 होगा इंटरनेशनल लेवल पे? IAS, क्योंकि IFRS में तो 100+ करते हैं कि नहीं करते अपन। ओके, तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हमारे यहाँ इंडिया 16 के नाम से हमने कन्वर्ट कर लिया है, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए सर, इसमें आएगा क्या? सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन डेफिनेशन क्या किसकी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देखते चलना, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये क्या होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? तुम लोग इसको फिक्स्ड एसेट बोला करते हो ना आम भाषा में, बट फिक्स्ड एसेट में तो टेंजिबल भी आता है और इनटेंजिबल भी आता है, बट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? एक टेंजिबल आइटम है। देखते चलना ना पहले मैं कैसे लिख रहा हूँ, टेंजिबल आइटम, क्योंकि उसके हिसाब से जगह चाहिएगा ना तुमको। तो पीपी आर द टेंजिबल आइटम हेल्प फॉर यूज इन, हेल्प फॉर यूज इन हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ऑफ गुड्स और सर्विसेस का मतलब इसका यूज आप कहां पे कर रहे हैं? टेंजिबल आइटम समझते हैं ना, इसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है? ओके, हेल्प फॉर यूज इन, आपने इसको रख क्यों रखा है अपने पास? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए मतलब माल बनाने के लिए, सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए, गुड्स की सप्लाई करने के लिए व्हीकल वगैरह, ये हमने अपने पास रख रखे हैं। और फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरा क्या यूज है? फॉर रेंटल टू अदर्स मतलब दूसरों को किराए पर देने के लिए, फॉर रेंटल टू अदर्स। और तीसरा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब ऑफिस में भी तो यूज कर सकते हो, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस का फर्नीचर, खुद के यूज के लिए भी तो रख सकते हो। हाँ सर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ओके, फिर उसके बाद एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, और इनका यूज आप 1 साल के लिए करेंगे या 1 साल से ज्यादा के लिए? एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड, फॉर मोर देन 1 ईयर बोल सकते हो, 1 पीरियड बोल दो, फॉर मोर देन 1 पीरियड। हाँ जी, अब इसे आप लिख सकते हैं पीपी की डेफिनेशन। तो पीपी आर द टेंजिबल आइटम्स हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर द रेंटल टू अदर्स, और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड।
ओके, तो पीबी आर द टेंजिबल आइटम्स हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड, एक साल से ज्यादा के लिए। सर एएस 10 में भी यही डेफिनेशन थी, बिल्कुल डिट्टो। सीएफआर पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम हर चीज लिख के कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हो जाए, हर चीज अच्छे से होना जरूरी है। इसका नोट्स का इरादा नहीं है, इसका लिखवाने का इरादा है, क्योंकि नोट्स देते हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ होता है तो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते इंडियस। ठीक है जी, जो क्वेश्चंस होंगे, जो रिक्वायर्ड होंगे, वो क्वेश्चंस की शीट दे दी जाएगी बस, बाकी सब लिख के होगा सर। सर और क्या, एक टर्म तुमने सुना होगा, बेयरर प्लांट, एस 10 के अंदर सुना था क्या, क्या बेयरर प्लांट भी पीपीई होते हैं? यस, बेयरर प्लांट और आल्सो पीपीई, तो उसमें क्या लिखे सर? बेयरर प्लांट आर द लिविंग प्लांट्स, सर बेयरर प्लांट होते क्या है, आर द लिविंग प्लांट्स used in the production or supply, used in the production or supply of agricultural produce, agricultural produce, मतलब कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री बताया था ना एस 10 के अंदर, एक कोकोनट ट्री, ये क्या है, लिविंग प्लांट है, और ये काम कहाँ रहा है, कोकोनट मिल रहा है अपने को, मैंगो ट्री से मैंगो मिल रहा है अपने को, बिल्कुल, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं एंड एक्सपेक्टेड टू बेयर, और ये कितने टाइम के लिए यूज होगा, एक्सपेक्टेड टू bear produce for more than one period, obviously इनकी life एक साल से ज्यादा की होती है, और इनको बेचने का तुम्हारे को कोई मन में नहीं है, इनको बेचने का फिलहाल तुम्हारे ऐसा कोई मन में नहीं है, उसके लिए लिख देते हैं and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, और इसको खुद को बेचने का कोई हमारा इरादा नहीं है, रिमोट लाइकलीहुड, अभी दूर दूर तक की संभावना नहीं है, या दूर की संभावना है, अभी तो फिलहाल हाल तक निकट भविष्य में, ठीक है ना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हम इसको बेचेंगे क्या, एक्सेप्ट, लेकिन सर वो अचानक से खराब हो गया हो मान लो तो क्या करोगे, तो एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल incidental scrap sales, scrap में अगर बेचना हो तो यस बेच सकते हो, अदरवाइज हमको इसको बेचने का कोई इरादा नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो भैया तुम, इधर मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री,
ओके क्लियर है वाली चीज। ठीक है तो पीपीई की डेफिनेशन लिखवा दी, और बेरर प्लांट आर आल्सो पीपीई। बाकी अपन पढ़ते थे जैसे एनिमल्स, तो क्या ये भी पीपीई की डेफिनेशन में आएंगे? ठीक है ना, ये पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स। ठीक है ना, ये पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बट बेरर प्लांट पीपीई की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स में प्लांट आ जाते हैं और लिविंग एनिमल्स आ जाते हैं, बट एनिमल पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट बैरल प्लांट पीपीई की डेफिनेशन में आएगा। और बाकी लिविंग प्लांट्स, ऐसे लिविंग प्लांट जो पौधे वगैरह हैं, जो खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, वो भी पीपीई की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो जो पीपीई की डेफिनेशन में आएगा वो लिखवा दी, बाकी उसके अलावा लिविंग एनिमल्स आर नॉट पीपीई। एनिमल्स ठीक है ना, और लिविंग प्लांट्स अदर देन बेरर प्लांट्स, अदर देन बेरर प्लांट्स आर नॉट पीपीई, वो पीपीई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हैशटैग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आप पीपीई को बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, आप पीपीई को अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इसके लिए लिखते हैं पीपीई रिकॉग्नाइज्ड, पीपीई रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट, एज एसेट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या? भाई AS10 वाले प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे आपको क्या होगा? फायदा होगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी या खर्चों में सेविंग हो जाएगी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, फ्लो टू द एंटिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू, नीचे लिख दूंगा चाहे तो, ओके या यहां पे लिख दो, इंक्रीज इन रेवेन्यू और सेविंग इन एक्सपेंसेस। तो कोई भी पीपी तब बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एसेट तब माना जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही हो या खर्चों में बचत हो रही हो। ओके और क्या होगा? सेकेंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उस कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो प्रॉपरली, मेजर्ड रिलायबली। तो अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हो, एंड लगा देना चाहो तो बीच में, तो अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हो तो अब आप बुक्स में से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज एज एसेट ओनली इफ एंड ओनली इफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो कि भैया कितना खर्चा लगा है। ठीक है जी, ये हो गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब इसमें कुछ गाइडेंस नोट हम लिख देते हैं। देखो गाइडेंस ऑन स्टार मार्क लगा के, सर हमको भी अलग अलग कलर लाने हैं क्या? हाँ,
अच्छा लगेगा तुमको खुद को, ठीक है ना। गाइडेंस ऑन वेदर फॉलोइंग आइटम whether following item are to be recognized as PPE। देखो वैसे तो PPE की डेफिनेशन में क्या है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ठीक है ना, फर्नीचर हो गया, तो कोई भी जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल आइटम है, वो आपका क्या है, PPE की डेफिनेशन में आ रहा है। अब स्पेशल चीज क्या आई सर, बेयरर प्लांट्स आर ऑल्सो पीपी, ये स्पेशल आ गया बुक्स में। रिकॉग्नाइज का क्राइटेरिया ये नया सुनने को मिल गया, थ्योरेटिकली याद रख लेंगे सर बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना है, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बस और क्या। तो एक तो अपने को क्या करना है, एक तो जनरल टर्म्स में सोचना है, नॉर्मल टर्म्स में, अच्छा ये सब पीपी होता है, और एक होता है डेफिनेशन टर्म्स में सोचना होता है इंडेक्स के अंदर। तो दोनों चीज अपने को दिमाग में रखनी होगी, ठीक है ना। जनरल टर्म्स इसलिए ताकि ईजी हो जाए, और डेफिनेशन टर्म इसलिए ताकि हम वहां पे लिखकर, ठीक है जी। चलिए तो सर किस किस आइटम के बारे में पता करना है, तो देखो कौन कौन सा आइटम है, कुछ स्पेशल आइटम्स है, लिखो पहला, फर्स्ट स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट नहीं पड़े रहते साइड बाय साइड कि अगर जन खराब हो गया मशीन कहीं पे भी तो हम क्या कर सके, हैंड टू हैंड से रिप्लेस कर सके। तो स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, और सर्विस करने के लिए सर्विसिंग इक्विपमेंट, क्या ये पीपीई की डेफिनेशन में आएंगे, बोलो क्या ये पीपीई की डेफिनेशन में आएंगे, इसमें लिखो ट्रीटेड एज पीपीई, ट्रीटेड एज पीपीई इफ ओनली इफ, ओनली इफ डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई मेट, if definition and recognition, क्या हम दोनों पढ़ चुके हैं definition और recognition, yes, if definition and recognition of PPE met, तो अगर इसका definition भी PPE का आ रहा है, met हो रहा है, और recognition criteria भी met हो रहा है कि future economic benefit मिलेगा, cost can be measured reliably, तो yes, इसे PPE consider कर लेना, otherwise otherwise treated as inventory, वरना आप इसे क्या मानेंगे, इन्वेंट्री मानेंगे, और इन्वेंट्री के लिए है Ind AS 2, और ये Ind AS 2 आपके सिलेबस 22 में कंपनी अकाउंट्स में आ जाता है। जो आप लोगों ने सिलेबस 16 वालों ने AS 2 पढ़ा था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री, वही Ind AS 2 है, ऑलमोस्ट 90% सेम है, ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद सेकंड एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, छोटे छोटे से आइटम्स होते हैं ना, बहुत छोटी छोटी कम वर्थ रखते हैं, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जैसे कि मोल्ड्स, टूल्स, डाइस, ये सब छोटे छोटे आइटम्स, इनका क्या होगा, ऑब्वियसली नाम में ही आ गया, क्या एग्रीगेट करना है पहले तो उसको,
लिख दो एग्रीगेट एग्रीगेट करना है पहले तो आपको उसे एग्रीगेट एंड अप्लाई द क्राइटेरिया. एंड अप्लाई द क्राइटेरिया टू द एग्रीगेट वैल्यू भाई इतने छोटे छोटे आइटम है कि अपने आप में तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे जनरेट करके देंगे. तो क्या इनको एग्रीगेट करो और फिर क्राइटेरिया देखो, डेफिनेशन क्राइटेरिया और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. ओके तो पहले एग्रीगेट करो और फिर देखो. डन. तीसरा सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट. सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट क्या ये पीपीई की डेफिनेशन में आएंगे? बिल्कुल. ये तुम आग लग जाती तो ये फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो कि नहीं रखते हो? सालों सालों तक पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है? सर पड़ा रहता है, आग लगती नहीं है, काम आता नहीं है. ठीक है ना? तो ये क्या होगा, क्या ये पीपीई की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा. ठीक है ना? चिमनी वगैरह और लगा रखी है एनवायरमेंट के लिए वगैरह के लिए, ये सब क्या आएगा? ये सब पीपीई की डेफिनेशन में आएगा. तो लिख देना सर ये प्रोडक्शन में तो काम आ ही नहीं रहे हैं. कोई बोल दे सर ये प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा, हमने इसको किराए पे दिया है, ठीक है ना, और ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम आ रहे हैं. उसमें लिखा दे इनडायरेक्टली असिस्ट, दे इनडायरेक्टली असिस्ट अदर एसेट्स, अदर एसेट्स टू अचीव फैब. फैब क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हेंस पीपीई, इसलिए इन्हें पीपीई कहा जाएगा. ओके सर. चलिए तो कुछ स्पेशल आइटम्स के बारे में हमने बात कर ली, इन्हें पीपीई कब कहा जाएगा. तो बोले कोई स्पेयर पार्ट स्टैंड बाई इक्विपमेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या ये पीपीई है? बोल देना अगर डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो यस पीपीई है. कोई बोले अगर स्मॉल वैल्यू आइटम्स इनसिग्निफिकेंट वैल्यू वर्थ रखते हैं तो मैंने कहा भैया उनको एग्रीगेट करना, फिर चेक करना कि वो पीपीई को डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अच्छा बोला कि भैया कोई सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट है तो क्या वो पीपीई है? हाँ वो पीपीई है, वो इनडायरेक्टली हमको क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं. क्लियर है वाली चीज? नेक्स्ट अब बात आती है मेजरमेंट. रिकॉग्नाइज तो कर लोगे भैया, किस वैल्यू पर मेजर करोगे उसे? तो लिखो मेजरमेंट. मेजरमेंट क्योंकि जब भी एंट्री पास करोगे आप रिकॉर्ड तो कर लोगे पीपीई अकाउंट डेबिट. अब ये पीपीई अकाउंट डेबिट करोगे तो पीपीई डेबिट किस वैल्यू से करोगे, उसके लिए क्या है? इसमें दो आएगा, एक तो इनिशियल मेजरमेंट, एक आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. पहले किस पे बात करते हैं? इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं. इनिशियल मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट हमेशा और हमेशा तुम किस पे करोगे? ऑलवेज एट कॉस्ट, ऑलवेज एट कॉस्ट. आगे चल के क्या होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी आएगा, रिवेल्यूशन मॉडल भी आएगा. अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ना रिवेल कर लोगे, आज तो तुम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे. आगे चल के तुम हर बैलेंस शीट की डेट को तुम्हारी इच्छा है कि कॉस्ट पे मेजर करना है कि रिवेल करके उसे शो करना है रिवेल्यूशन प्राइस पे. तो इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट होगा. इसमें फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इफ एसेट इज परचेज्ड. कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट
इफ एसेट इज परचेज, तो अगर आपने एसेट खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा इफ एसेट इज परचेज्ड, क्या क्या शामिल होगा सर? परचेज प्राइस, ये भी AS 10 में आपने पढ़ा हुआ है, जितने में खरीदा। लेस, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो सर? इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये सारी वैल्यूज दी हुई होगी आपको, एसेट की कॉस्ट पता करनी होगी। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई छूट दिया हो तो उसे आप लेस कर देंगे। और क्या कॉस्ट में शामिल होगा? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जिसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। और क्या होगा? ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, इसका डायरेक्ट रिलेशन हो एसेट की खरीद से, एसेट की परचेज से। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में इंक्लूड्स, लिखो नाम, एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट भाई, खरीदा, लगाया, इंस्टॉल करवाया, वो सब चीजें। कॉस्ट ऑफ साइट, कॉस्ट ऑफ साइट, जिस जगह लगाया गया उसको बनाने का खर्चा। डिलीवरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ट्रायल रन होता है ना, चला के देखते हैं यहां सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेस, अच्छा चलाओगे तो क्या होगा? मान लो सही चल गया, चलेगा तो क्या होगा? कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट का क्या करोगे? उसको बेचोगे, बेचोगे कुछ पैसा मिलेगा, उस पैसे से अपनी कॉस्ट को क्या कर लेना? कम कर लेना। तो लेस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम, अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन, टेस्ट प्रोडक्शन। ओके, इसके लिए कोई आपको अगर प्रोफेशनल फीस देना पड़ा हो तो वो भी आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे, प्रोफेशनल फीस। ओके, नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या शामिल नहीं करना है? इनोग्रेशन एक्सपेंसेस, इनोग्रेशन एक्सपेंसेस, कि तुम नया शॉप ओपन करते हो, फिर बधाइयां बांटते हो ना, मिठाई खिलाने के लिए बुलाते हो ना तुम लोग, इसको पीपीई कॉस्ट का पार्ट कंसिडर मत करना। हम चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? जय श्री, खाने पीने के लिए भले सामान वहां पे खरीद के लाओ या मत लाओ। ओके, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट, तो प्रमोशन के जो खर्चे हैं, एडवर्टाइजिंग के जो खर्चे हैं, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ को तुमने उस एसेट को चलाना सिखाया, ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, लॉसेस हो रहा था. मान लो बिजनेस रन करने का लॉस हुआ, सर हमको तो पता है ना कि ये नहीं है. अरे पता तो है फिर भी लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ होता है ऑपरेटिंग लॉसेस इतने रुपए. तो कुछ बच्चे क्या करके आ सकते हैं, उसको ऐड करके आ सकते हैं. हालांकि ऐसा बच्चा मुझे लगता नहीं कि कोई होगा क्या, बट फिर भी ऐसा केस स्टडी बना के दे सकते हैं कि एक बंदा था, उस बंदे ने क्या किया, अपने इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को भी क्या कर लिया है, पीपी की कॉस्ट का पार्ट मान लिया है. अब हमें एडवाइस करो, एडवाइस क्या करोगे कि भैया इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपीई. ओके, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं. कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशन मतलब काम धंधा एक जगह से दूसरी लोकेशन पे हमने क्या किया, शिफ्ट किया. तो भैया अगर उसमें कोई खर्चा वर्चा हुआ है तो वो उससे कोई एसेट की वैल्यू बढ़ नहीं जाने वाली है, उससे कोई पीपी की वैल्यू को इंक्रीज मत कर देना. ओके, कोई एसेट है जो तुम्हारे तुम्हारी पीपी की डेफिनेशन में है. अब उसको जैसे तुमने थोड़े टाइम के लिए पार्किंग एरिया बना के दे दिया, जब तक तुम्हारे वो यूज नहीं आ जाती तब तक तुमने उसको पार्किंग एरिया की तरह यूज कर लिया, तो उसका क्या करोगे, रेवेन्यू हो रहा है ना, उस रेवेन्यू से कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लिखवाऊं क्या ये भी, बिल्कुल नहीं, ठीक है. ओके चलिए डन, ठीक है डन, इतना बहुत है. नेक्स्ट, वो पार्किंग एरिया वाला आएगा तो क्वेश्चन में आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में डी पार्ट. डी पार्ट पहला परचेज प्राइस हो गया, दूसरा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो गया, तीसरा ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस हो गया, और चौथा डी पार्ट कॉस्ट ऑफ डी कमीशनिंग. कॉस्ट ऑफ डी कमीशनिंग ये क्या होता है, डी कमीशनिंग सर ये क्या हुआ, स्लैश लगा के लिख लो डिसमेंटलिंग. अभी समझ में आया क्या, हाँ सर. ये जो तुमने पीपी लगाया ना अभी अभी, उसको आगे चल के तुम क्या करोगे, फ्यूचर में वापस डिसमेंटल करना होगा कि नहीं करना होगा, हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, इंस्टॉल करवाया तो हटवाओगे भी जब वो यूज के लायक नहीं रहेगा. हाँ सर, वो तो बाद में करेंगे ना सर, 10 साल बाद 15 साल बाद. मैंने कहा हाँ बाद में करेंगे, लेकिन उसको भी कॉस्ट कंसिडर करना है. वो भी कैसे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. कैसे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना, बिल्कुल एफएमएस सीख रखा है. तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन. एंड साइट रिस्टोरेशन, ओके, वो भी कैसे, रिलोकेशन वाले एक्सपेंसेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना गया है, ठीक है ना. हाँ नहीं, वो डिसमेंटलिंग वाला, वो सब ठीक है ना. रिलोकेशन चार्जेस बोले तो उसको काउंट मत करना, लेकिन जब वो लास्ट में स्क्रैप में बिकने वाला है, उस टाइम जब आपको उसको हटाना हो, पहले से प्रोविजन डाला हुआ होता है कि भाई आप इसको हटाएंगे यहाँ से, इस जगह से हटाएंगे तो ये खर्चा बैठेगा, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना गया. वो भी कैसे, एट प्रेजेंट वैल्यू. वो भी कैसे, एट प्रेजेंट वैल्यू. एट प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसका. इसी में आगे ब्रैकेट में लिखो ऑल्सो, ये तो मान तो लिया, अब इसके बारे में और लिख रहे हैं, ऑल्सो एट ईच ईयर एंड. हर साल के एंड में तुम्हें क्या करना होगा, एट ईच ईयर एंड अनवाइंड द, अनवाइंड द डिस्काउंट, अनवाइंड द डिस्काउंट. सर ये क्या लिखवा रहे हो, अभी बताता हूं.
unwind the discount as the above cost. As the above cost of decommissioning decommissioning has been recorded at प्रेजेंट वैल्यू. सर ये क्या बोल रहे हैं, मेगा सुनो. जब तुम बीपी को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ना, तब तो तुम क्या कर लोगे, परचेज प्राइस को, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को, ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस को, और इवन डीकमिशनिंग कॉस्ट को भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे. फिर हर साल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर साल हमको तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रखना है. अब एक बात बताओ, क्या हर साल प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी किसी वर्थ की. मान लो अब पांच साल बाद तुमको खर्चा बैठ रहा है कितना, 1 लाख रुपए डीकमिशनिंग का, कितना रुपया, 1 लाख रुपए. अब तुम आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हो, तो आज को प्रेजेंट वैल्यू पे कॉस्ट का पार्ट मानोगे, पीपीई कॉस्ट का पार्ट, तो कितना होगा, लिखना नहीं वाला एग्जांपल, कितना होगा. सर मार्केट में रेट मान लो 10% है, तो 10% का पी फैक्टर कितना होता है पांच साल बाद, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 होता है कि नहीं होता. तो आज इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा सर, 1 लाख × 0.621 कितने पे रिकॉर्ड करोगे, 62,100. तुम क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे. तो तुम एसेट की कॉस्ट जब तुमको डिटरमाइन करना आएगा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पीपीई, आते हैं क्वेश्चन, हाँ आते हैं, उसमें तुम 62,100 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, 62,100 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे. लेकिन फिर हर साल, एक बात बताओ, एक साल बीत गया अभी साल के एंड में अब क्या होगा, एक साल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मान लो पीपीई खरीदा, अब साल के एंड में क्या होगा, अब तो क्या बचेंगे, कितने साल बचेंगे, केवल 4 साल बचेंगे. अब साल के एंड में 4 साल बचेंगे, तो तुम्हें एक एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, अब साल के एंड में जब तुम देखोगे, तब वापस जब रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तो रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा सर, 1 लाख रुपए खर्चा लगेगा 4 साल बाद, और 4 साल बाद का पी फैक्टर कितना, 0.683. कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, 68,300. कितने से बढ़ गया ये देखना जरा कितना होगा, अभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, इस पर टेंशन नहीं. कितना, 6,200. ओके, इसके लिए तुम एंट्री क्या पास करोगे सर, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को अपना खर्चा माना है, जो लायबिलिटी कंसिडर किया कि फ्यूचर में जाकर हमको देना पड़ेगा, उससे हम क्या करेंगे, उस प्रोविजन को इंक्रीज कर देंगे. सर प्रोविजन कब माना, अरे जब तुमने पीपीई के लिए पे किया, तो तुम एंट्री क्या कर रहे थे, पीपीई अकाउंट डेबिट, कितना पैसा खर्च हुआ, तुमने कैश में दिया, वो तुमने किया टू कैश, ठीक है जी, परचेज प्राइस वगैरह के लिए. कुछ पैसा मान लो तुमने उधारी रखा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, टू क्रेडिटर और टू सप्लायर, और वो खर्चा जो डिसमेंटलिंग का आएगा, वो अभी तुम कैश में दे रहे हो क्या, नहीं सर वो तो अभी तो नहीं दे रहे, वो कब देना है, 5 साल बाद देना है. तो तुम उसके लिए क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. और फिर उसके बाद, ये तो हुआ पहली बार, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का खर्चा कितना मानोगे, 62,100, वो पीपीई कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. फिर हर साल तुमको क्या करना होगा, पीपी उसको वापस प्रेजेंट वैल्यू को रिवाइज करना होगा. इसकी वजह से क्या होगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा. अगली बार कितने से बढ़ रहा है सर, 6,200 से बढ़ रहा है, तो तुम उसको क्या कंसिडर करोगे, फाइनेंस चार्जेज अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग. सर इससे क्या होगा, इससे हर साल प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग बढ़ता जाएगा. 5 साल बाद वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के बराबर हो जाएगा. और फिर तुम उसका पेमेंट कर देना, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग अकाउंट डेबिट टू खर्चा आएगा तो टू कैश और बैंक. तो जब एक्चुअली खर्चा लगेगा तो टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. क्लियर है वाली चीज, अभी समझ में आया कि जब अपने को स्टार्टिंग में एसेट खरीदेंगे तो ऐसा एंट्री मार देंगे, पीवी अकाउंट डेबिट टू पैसा जो भी लगा, कैश जो उधारी में खरीदा टू क्रेडिटर,
ठीक है ना, या सप्लायर, और टू जो डिसमेंटलिंग की भी कॉस्ट अगर शामिल करनी है तो टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, अपने आप पीपीई कॉस्ट में ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर हर साल तुमको प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट चार्जेस रिकॉर्ड करना होगा, क्या करना होगा, इंटरेस्ट चार्जेस। तुमको एफएम वाले सर ने पढ़ाया होगा कि डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग फैक्टर करके आप सिंपली क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट एलिमेंट को हटा रहे हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर करके तुम क्या करते हो, केवल इंटरेस्ट एलिमेंट को हटा देते हो। तुमने हायर परचेज पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का पी फैक्टर लगा के तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, वो कैश प्राइस के बराबर आता था कि नहीं आता था, बस। तो डिस्काउंटिंग करके आप क्या करते हो, उसको प्रिंसिपल अमाउंट पे लेकर आते हो। तो वो 1 लाख तो बाद में लगने वाला है, 62,100 आज कंसिडर अपन ने उसको किया। फिर हर साल उस प्रोविजन को बढ़ाना है, क्योंकि एक्चुअली तो खर्चा 1 लाख आने वाला है ना, तो हर साल उस प्रोविजन को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हर साल ऐसा वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और वो 1 लाख पे पहुंच जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे सर कैसे होता है ना, देखो अभी फिलहाल इसको हटाता हूँ, और वो 1 लाख तक जब पहुंच जाएगा तो हम पेमेंट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1 लाख रुपए। जब खर्चा लगेगा डिसमेंटल करने का तो एक्चुअली पैसा जाएगा तो टू कैश और बैंक कर देंगे, और प्रोविजन को रिवर्स मार देंगे इतने टाइम से जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं एंट्री लिख देता हूं, लिखवा देता हूं तुमको, जर्नल एंट्री फॉर अनवाइंडिंग एट ईच ईयर एंड, जर्नल एंट्री फॉर अनवाइंडिंग, उसको बोला नाम क्या दिया गया, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग एट ईच ईयर एंड। क्या करोगे पता है तुमको तो अब एंट्री, हाँ सर पता है ना, क्या करोगे, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख दो, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। ओके डन, सर कोई क्वेश्चन वेश्चन हो जाए, मैंने कहा हाँ हो जाए, आज एग्जाम्पल लिखना है, ऑन अप्रैल फर्स्ट, ऑन अप्रैल फर्स्ट 2024 एक्स वाई जेड लिमिटेड acquired a machine, acquired a machine under the following terms, under the following terms, क्या क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन 80 लाख रुपए, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन 80 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए, डिलीवरी फीस, डिलीवरी फीस 1 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख रुपए, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख रुपए,
परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदा कि भैया तुम ही करोगे हमारी इस मशीन को सही विद द वेंडर। वेंडर कौन? जिसने हमको एसेट बेचा। 7 लाख रुपए उसके खर्च हो गए। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, चलो यहां पे इतना सब ना लिखे, इतना सा लिख देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा आपको कितना? 10%। कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। कैश डिस्काउंट 5%। इफ पेमेंट फॉर द मशीन, इफ पेमेंट फॉर द मशीन वॉज रिसीव्ड विद इन द 1 month, वॉज रिसीव्ड विद इन 1 month ऑफ परचेज, 1 month ऑफ परचेज, ओके। एक्स वाई जेड लिमिटेड, कंपनी का नाम यही था ना, एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड फॉर द प्लांट, ऑब्वियसली मशीनरी, पेड फॉर द प्लांट ऑन 20th अप्रैल। अच्छा, खरीदा 1 अप्रैल को था, पैसा दे दिया 20 अप्रैल को, 1 महीने के अंदर अंदर दे दिया 2024। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसेट, compute the cost of asset, asset की cost बताइए to be recognized, books में कितने पे record करेंगे, books में कितने में record करेंगे। करें सॉल्यूशन, मुझे लग रहा है कि आपको केवल एक ही चीज में दिक्कत होगी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसको कैसे डील किया जाए। तो लिखो पहले तो सॉल्यूशन, एज पर इंड एस 16, इंड एस 16, ऑल कॉस्ट रिक्वायर्ड, all cost required to bring an asset, to bring an asset to its present location, ये लाइन मैंने आपको इंटर में भी पढ़ाई हुई है, present location and condition, स्टॉक के लिए बताई थी आपने, हाँ, तो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो उसको यूज करने लायक बनाने के लिए रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे होते हैं वो सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। So, क्या होगा, परचेज प्राइस ऑफ एसेट वुड बी, सो कॉस्ट विल बी,
क्या क्या जाएगा? लिस्ट प्राइस कितना? लिस्ट प्राइस 80 लाख था क्या? 80 लाख। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलेगा? लिस्ट प्राइस पे तो मिलेगा, तो लेस कर देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट कितना सर? 8 लाख। 8 लाख 10% था ना? बिल्कुल। कितना बैठा अब नेट वैल्यू? 72 लाख। 72 लाख ये तो हुआ होगा उस सप्लायर को, ये 72 लाख तो उस सप्लायर को, उस दुकान वाले को देना है कि भैया तुमसे पीपी इतने का खरीदा है, राइट। अब हमारे लिए कॉस्ट क्या 72 लाख है? नहीं जी, हमको तो उसको लाने का खर्चा भी बैठा है ना, तो वो ऐड करते चलो। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कितना था? 5 लाख। ओके, डिलीवरी फीस कितना? 1 लाख। नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख। फिर नेक्स्ट आइटम प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख। सर इसका क्या करेंगे? परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, इसे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा, इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो हमने मेंटेनेंस के लिए किया ना, तो ये अलग चीज है, मेंटेनेंस का काम अलग होगा। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है वेंडर के साथ, 5 साल तक तुम्हारे मेंटेनेंस और करोगे, तो ये तो अलग किसी और जगह से भी करवाया जा सकता था कि नहीं करवाया जा सकता? क्या जरूरी है कि उसी सप्लायर से करवाया जाए, उसी वेंडर से करवाया जाए? नहीं सर, ये जरूरी नहीं था कि उसी वेंडर से करवाया जाए, ठीक है ना, कहीं और से भी करवाया जा सकता है, तो क्या इसे माना जाएगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये आपको चीज इंडियास 115 में भी पढ़ने को मिलेगी, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो हाँ जी, ये 7 लाख रुपए का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसने सामने वाले ने एक तो मशीन बेची, एक तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और एक आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये सब सीखने को मिलेगा इंडियास 115 में मिलेगा, और हमें भी पता है यार, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पीपीई की एसेट कॉस्ट का पार्ट थोड़ा होगा, तो 7 साल कितने साल तक है? 5 साल तक चलता रहेगा, बिल्कुल। ओके, तो उसको अपन अभी तो अगर अपन पे कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं जी, प्रीपेड एक्सपेंस मानना, और हर साल क्या करते जाना उसको, जैसे जैसे बुक होता जाएगा हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में दिखाते चलना। ओके, कैश डिस्काउंट का क्या होगा सर? देखना सेटलमेंट डिस्काउंट कितना बनता है सर। सेटलमेंट बचपन से पढ़ा है सर, ये सप्लायर को देना था 72 लाख रुपए, 20 अप्रैल को गए, 72 लाख रुपए का कितना डिस्काउंट मिल ले लिया अपन ने, 20 दिन में चले गए तो 5%, 20 लाख का 5% कितना होता है? सॉरी, 72 लाख का, नॉट 20 लाख का, 72 लाख, 72 लाख का 5% कितना होता है? 3,60,000 बस। तो इसका क्या करोगे? बचपन से अकाउंटिंग करते हैं, टू कैश पीपी अकाउंट डेबिट देखा जाए तो 72 लाख, टू कैश कितना दोगे डिस्काउंट लेस करने के बाद दोगे, और डिस्काउंट आपके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को कितना शो करते हो? पीएनएल में इनकम में शो करोगे कि नहीं करोगे? बस, तो खत्म बात। तो यहाँ पे कितना आया देखो, ये वाला मामला तो यहीं पे खत्म हो गया, कितना आया बोलो? 92 लाख। ओके, 92 लाख अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। Amount to be capitalized, obviously, as on 1st April 2024. अब नीचे नोट डाल देते हैं,
फर्स्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को शामिल क्यों नहीं किया, लिखना तो पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू गेट सर्विस, टू गेट सर्विस। देयरफॉर, देयरफॉर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, the maintenance contract cost of rupees कितने लाख का, 7 lakh should be taken, should be taken as प्रीपेड एक्सपेंस। पे कर दिया आपने, अच्छी बात है, बट वो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। एंड चार्ज टू द पी एंड एल, एंड चार्ज टू द पी एंड एल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ, क्योंकि 5 साल का था कॉन्ट्रैक्ट तो 5 सालों में, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट, कैश डिस्काउंट के लिए लिख लो, कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट सर 72 लाख, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू था, और उसका 5% कितना बोला तुमने, 3 लाख 60,000। It will be shown as other income. P&L में सेगमेंट आता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम, तो ये अदर इनकम में शो होगा एज अदर इनकम इन द प्रॉफिट और लॉस, इन द प्रॉफिट और लॉस। आज इतना ही करते हैं, फिर कल हम और आगे करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कल वो क्वेश्चन करवाऊंगा किसका, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। चलिए थैंक यू।